wish I could be strong, survive all on my own, but now I'm running out of hope. I need somebody else. I've been waiting. धड़कते दिलों और सुनते कानों को तसव्वुर उम्र का सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम मौजूद हैं सिटी में। तो जी कज़न आया हुआ एडिलेड से हमें मिलने। पहले हम उनको मिलने गए थे, आज वो मिलने आया। तो उसके साथ आज लंच का सीन है, वहाँ पे जा रहे हैं। आपको होटल के अंदर से भी दिखाएंगे। मेरा ख्याल है कुछ सी फूड खाना शायद आज, तो देखते हैं कैसा सिस्टम है। आज रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया था द बॉइलिंग क्रैब। अहमद साहब आए हैं कज़न एडिलेड से दोबारा हमें मिलने। पहले हम मिलने गए थे, आज वो मिलने आए हैं। तो उनको सी फूड काफ़ी पसंद है, तो आज हम मौजूद हैं द बॉइलिंग क्रैब में। तो यहाँ पे आपको बताते हैं, थोड़ा आपको देखने में अजीब लगेगा लेकिन होता बहुत मज़े का, थोड़ा महंगा होता है लेकिन बड़ा मज़े का। तो अहमद साहब आज साथ आज मौजूद हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सो वी हैव ऑर्डर्ड द फूड एंड लेट्स सी व्हाट इज इट। So what do we have in order? Yeah, so you got the shrimp with three cones, the whole shebang medium, brown crab, whole shebang medium as well, lemon pepper fries, onion rings, Cajun medium, three lemon lime bitters, and fried shrimp. Very tough names. Oh yeah. Thank you. For Pakistan is very new name. So, inshallah, bhi food order kar diya hai. Aata to fir aapko dikhata hai. Seafood. This is the bibs and gloves. So you just put them around your neck. And this is for your brown crab. Thank you, sir. No worries. Here we go. Thanks, man. अच्छा, तो ये जो फूड है ये ट्रेडिशन इनकी ये है कि ये इस पे ही सर्व करते हैं, जो टेबल के ऊपर आपको भी दिखाते हैं कैसे सर्व करते हैं। तो इसको ऐसे ही टेबल पे सर्व करना होता है। ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन बहुत मज़े का होता है, पाकिस्तान में बहुत लोग खाते हैं। खाने से पहले ये पहनना ज़रूरी है क्योंकि हाथ काफ़ी गंदे हो जाते हैं इससे, और इसके साथ आपको ग्लव्स भी दिए गए हैं, ये पहनने पड़ेंगे आपको ऐसे। फिर आपको ये सी फूड खाना पड़ेगा इस तरह से। ये बड़ी ट्रेडिशन है, तो बाली में पहले भी खा चुके हैं, काफ़ी मज़े का, इसलिए आ जाए कि आपको दोबारा दिखाया जाए। जी देखने में तो बड़ी चीज लगती है लेकिन यू विल लाइक। स्प्लेंडेड। तो जी खा लिए श्रिम्प्स, प्रॉन्स, सारा कुछ, बड़ा मज़ा आया क्रैब्स, और काफ़ी थोड़ा स्पाइसी रख लिया आज, लेकिन खैर ओवरऑल बहुत मज़े का था खाना और बहुत मज़ा आया। अब हम जा रहे हैं स्वीटिश खाने, अब आपको वहाँ से भी बताएंगे, बड़ी अच्छी स्वीटिश मिलती है। खैर ये कज़न की बदौलत है कि काफ़ी होटल्स इन्होंने वो की है, क्या कहते हैं उसको, काफ़ी होटल्स रेस्टोरेंट एक्सप्लोर किए,
होटल्स नहीं है, रेस्टोरेंट काफ़ी एक्सप्लोर किए और उस वजह से हम मुख्तलिफ खाने खाते हैं। मियाँ साहब को ये अचानक शूज़ लेना याद आ गए हैं तो उसके लिए आए हैं भाई। शूज़ जो चेक किए $1,000 के, विच मीन्स के पाकिस्तानी कितने हो गए भाई, तकरीबन 1.5 लाख रुपए का शूज़ हैं भाई। मैं क्यों लूँ, 1.5 लाख की रोटी खा लेता बंदा मेहंदी भी। ये सिटी आके ऐसी फीलिंग आती है कि भाई हर बंदा ही काम के लिए दौड़ रहा है, आ रहा है जल्दी में सारे। तो ऐसा लगता है भाई इतनी पीछे रह गए आप दौड़ में ज़िंदगी की। लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, कोई नहीं है चौंक से वेला खड़ा सिगरेट ला के या ताश खेल रहे हैं। सिटी में पार्किंग का बहुत इशू है, आपको पार्किंग खरीदना पड़ती है, गाड़ी लगी हुई है। चलो जी गड्डी बैठी, ओहो साड़ी दया ली है। लो जी खाने के बाद अगर मीठा नहीं खाना तो सुनत तो बुरी होनी नहीं है, तो मीठा तो लाजमी है। अब मीठे के लिए कहाँ आए हैं भाई, आज मैक्स बनर आए हैं। There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But then and was that vanilla ice cream? Vanilla ice cream. खाने में मीठा आ चुका है, खाते हैं काफ़ी मज़ेदार लग रहा है देखने में तो। और स्वीट डिश की बढ़िया है, मैं तो पाकिस्तान में तो मतंजन चलता है ज़रदा मीठे चावल ज़्यादातर घरों में, तो यहाँ पे ये वेफल और ये वो चलता है। खैर खाते हैं बताते हैं हम। $2,000 ने लेता गोरी। तो जी ये था आज का ब्लॉग, अगले ब्लॉग में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल द सबर ब्लॉग्स। अल्लाह आपका हमें नासिर।